नमस्कार, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष विषय इतिहास में लोदी वंश में इब्राहिम लोदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमने इससे पहले सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ा था और आज हमारे सामने हैं इब्राहिम लोदी। तो देखिए, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद अफगान सरदारों ने अपने नए सुल्तान का चयन करने के लिए एक बैठक बुलाई और वैसे मृत सुल्तान के अनेक पुत्र जीवित थे, परंतु दावेदार रहे वो दो ही थे, एक इब्राहिम लोदी और दूसरा राजकुमार जला। इब्राहिम सबसे बड़ा पुत्र था, पराक्रमी सैनिक था और वह एक शासक के लिए योग्य था। राजकुमार जलाल कालपी और चंदेरी का सूबेदार था और वह भी अवसर पर अपने समर्थक सरदारों के साथ राजधानी में उपस्थित हो गया था। अर्थात इब्राहिम लोदी के शासन के समय, राज्यारोहण के समय उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके भाई की थी। उसका भाई जलाल कुछ सरदार या अमीरों का सेवक प्राप्त करके वह भी दिल्ली की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। वस्तुतः अफगान सरदार केंद्रीय सत्ता को निर्बल बनाकर अपने अधिकारों को बढ़ाना चाहते थे। तो कई ऐसे अफगान सरदार व अमीर थे जो दिल्ली के शासक को कमज़ोर बनाकर अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, अतः उन्होंने साम्राज्य विभाजन का फैसला है वो ले लिया। अर्थात जलाल और इब्राहिम दोनों के लिए साम्राज्य विस्तार करने की बात उन्होंने कह दी ताकि उनको फायदा प्राप्त हो सके। उन्होंने सरस्वती से इब्राहिम लोदी को दिल्ली का सुल्तान स्वीकार किया, परंतु राजकुमार जलाल को जौनपुर के शर्की राज्य का स्वतंत्र शासक है वो बना दिया। अर्थात उन अमीरों सरदारों ने मिलकर दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी को बना दिया। तो उन्होंने राजकुमार जलाल को जौनपुर के शर्की राज्य का स्वतंत्र शासक भी है वो बना दिया। इब्राहिम लोदी साम्राज्य विभाजन के घोर विरोधी थे, परंतु स्थिति को देखते हुए उस समय तो निर्णय को स्वीकार कर लिया और 21 नवंबर 1517 को राजगद्दी पर इब्राहिम लोदी का राज्यारोहण है वो हुआ। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। अब इब्राहिम लोदी नहीं चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत का विभाजन हो। उस समय जब सरदारों ने ये प्रस्ताव रखा तब इब्राहिम लोदी ने मजबूरी में इस प्रस्ताव को मान लिया था, लेकिन अब इब्राहिम लोदी की इच्छा थी कि वह पुनः दिल्ली सल्तनत को है वो एक करें। तो उसने अपने गृह नीति के अंदर राजकुमार जलाल व उसके सहयोगियों का दमन करने का है वो निश्चय किया था। तो देखिए, राजकुमार जलाल का किस तरह से दमन किया था। तो रापरी के सूबेदार खाने जहां नुहानी ने बड़े दरबार में साम्राज्य विभाजन की मूर्खतापूर्ण नीति की कटु निंदा की थी। क्योंकि जलाल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली से जा चुका था, अतः अन्य उपस्थित अमीरों ने भी खाने जहां का समर्थन किया। इब्राहिम तो पहले से ही
इस व्यवस्था का विरोधी था। अतः यह तय किया गया कि राजकुमार जलाल को वापस दिल्ली आने को कहा जाए, परंतु जलाल को इसमें किसी प्रकार के षड्यंत्र का संदेह हुआ और उसने दिल्ली आने से मना कर दिया। इस पर जौनपुर क्षेत्र के सभी अमीरों एवं अधिकारियों के नाम इब्राहिम लोदी की ओर से शाही फरमान भेज दिए गए थे। राजकुमार जलाल को वापस दिल्ली आने को कहा गया, परंतु जलाल को इसमें कई प्रकार के षड्यंत्र का संदेह हो गया और उसने दिल्ली आने से हैं वो मना कर दिया। अर्थात जिस समय साम्राज्य का विभाजन किया गया था उस टाइम भी रापरी के सूबेदार खाने जहां नुआनी ने भरे दरबार में साम्राज्य विभाजन की कटु आलोचना की थी और इसके बाद इब्राहिम लोदी ने राजकुमार जलाल को दिल्ली बुलाने के लिए शाही आदेश भेजा। लेकिन राजकुमार जलाल को संदेह हुआ और उसने दिल्ली जाने से मना कर दिया। इस पर जौनपुर क्षेत्र के सभी अमीरों अधिकारियों के नाम इब्राहिम लोदी की ओर से शाही फरमान जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई कि वे जलाल के किसी भी आदेश को न माने और केवल उन्हीं लोगों को अपने मौजूदा पदों पर स्थायी किया जाएगा जो दिल्ली के शाही फरमान का पालन करेंगे। और इसका अच्छा परिणाम निकला और अधिकांश अमीरों एवं अधिकारियों ने जलाल का साथ नहीं दिया और ऐसी स्थिति में जलाल जौनपुर से अपनी पुरानी जागीर कालपी आ गया और अपने आप को सुल्तान जलालुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित ने वो कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों के मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। जलाल खां को इब्राहिम के एक प्रमुख सरदार आजम हुमायूं सरवानी को अपने पक्ष में मिलाने में सफलता मिल गई और इसके बाद जलाल ने अवध पर आक्रमण कर दिया। इब्राहिम की स्थिति से घबराकर आजम हुमायूं जलाल का पक्ष छोड़कर इब्राहिम लोदी के पास उपस्थित हो गया। ऐसी स्थिति में जलाल अपनी सेना सहित इब्राहिम को चकमा देकर आगरा की तरफ बढ़ा और दुर्ग रक्षक सेना पर आक्रमण कर दिया और इब्राहिम ने तत्काल मलिक अदम सरदार को एक सेना के साथ आगरा की ओर भेज दिया और एक दूसरी सेना को कालपी पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह से जब राजकुमार जलाल को इब्राहिम लोदी ने दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया तो राजकुमार जलाल को लगा कि उसके साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है और उसने दिल्ली आने से मना कर दिया। इस पर इब्राहिम लोदी ने आदेश दे दिया कि जो भी अधिकारी हैं वे जलाल की आज्ञा का पालन न करें। अधिकारी भी इब्राहिम लोदी के पक्ष में हो गए। लेकिन इसी दौरान आजम हुमायूं सरवानी नामक सरदार को जलाल ने अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने भी इब्राहिम लोदी का साथ हो गया। फिर इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को दंडित करने के लिए एक सेना आगरा की ओर भेजी और दूसरी कालपी की ओर। ठीक है, आगरा की ओर बढ़ने वाले इब्राहिम लोदी के सरदार मलिक अदम ने आगरा पहुंचकर जलाल को दिल्ली के अधीन कालपी का शासक बने रहने के लिए रजाबंद कर लिया, परंतु इब्राहिम ने मलिक अदम की बात को ठुकराते हुए जलाल को पूर्ण समर्पण की बातें वो कही थी। उधर शाही सेना ने कालपी पर अधिकार कर लिया और ऐसी स्थिति में जलाल ने भागकर ग्वालियर में वो शरण ली थी। ग्वालियर से वह मालवा से सुल्तान की शरण में चला गया और कुछ दिनों बाद मालवा से गढ़ कटंगा चला गया जहां गौड़ों ने उसे बंदी बनाकर इब्राहिम को भेज दिया और जहर देकर उसकी हत्याएं वो कर दी। इस तरह इब्राहिम लोदी ने
जो साम्राज्य का विभाजन हो रहा था उसे बचाने में सफलता प्राप्त की और अपने विद्रोही भाई जलाल खान का है वो दमन करके अपनी श्रेष्ठता को स्थापित है वो किया था। अब इब्राहिम लोदी द्वारा अमीरों का दमन, तो देखिए लोदी वंश की शुरुआत से ही कई ऐसे अमीर थे जिनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी और वे दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना चाहते थे। कई ऐसे सरदार थे जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ थे, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे अमीरों को इब्राहिम लोदी दंडित करने की कार्रवाई है वो करता है। तो देखिए जलाल खान की मृत्यु के साथ ही इब्राहिम लोदी पूरे दिल्ली साम्राज्य का निर्विवाद शासक बन गया। अब उसने अपने अमीरों की शक्ति का दमन कर अपना निरंकुश शासन स्थापित करने का निश्चय किया। वास्तव में वह तुर्कों के प्रभुत्व सिद्धांत को स्थापित करना चाहता था और एक दिन बड़े दरबार में उसने घोषणा कर भी दी थी कि राजस्व बंधुत्व को नहीं जानता, सभी लोग राजा के अधीनस्थ सामंत अथवा प्रजा होते हैं। उसने अपने अफगान सरदारों को सिंहासन के सम्मुख नम्र भाव से खड़े होने के लिए विवश किया और उन पर कठोर दरबारी रस्में वो लागू की थी। इससे समानता में विश्वास रखने वाले अफगान सरदारों में भारी असंतोष फैल गया। वस्तुतः इब्राहिम साम्राज्य विभाजन की बात को भुला नहीं पाया था और वह अपने अमीरों से इसका बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ अफगान सरदारों को भी अब इब्राहिम में अमीरों से विश्वास नहीं रहा था, क्योंकि उसने मलिक अदम के प्रस्ताव को ठुकरा कर जलाल का दमन और बाद में हत्या करवाई थी। अब अपने निरंकुश व्यवहार से स्वाभिमानी अफगान सरदारों को अपमानित करने में लग गया और इस प्रकार ताज यानी दिल्ली सल्तनत व अमीर वर्ग के बीच में तनावपूर्ण स्थितियाँ वो उत्पन्न हो गई थी। इब्राहिम लोदी ने सर्वप्रथम अपने पिता के एक सरदार मियां भोबा को कारागार में डाल दिया और इसके बाद उसने आजम हुमायूं सरवानी और उसके पुत्र फतेह खां को दिल्ली बुला भेजा और दोनों को कारागार में डाल दिया, क्योंकि इन दोनों ने पहले जलाल का पक्ष लिया था। इससे स्थिति बिगड़ गई और आजम हुमायूं के एक अन्य पुत्र इस्माइल खां ने विद्रोह कर दिया और उसने आगरा के सूबेदार अहमद खां पर आक्रमण कर दिया। अहमद खां परास्त हुआ और इस पर इब्राहिम ने दूसरी सेना भेजी। इसी बीच इब्राहिम के दो प्रमुख सरदार आजम हुमायूं लोदी और सईद खां लोदी भी इस्माइल खां के साथ मिल गए और विद्रोही सरदारों ने दूसरी बार भेजी गई शाही सेना को भी परास्त करके हैं वो खदेड़ दिया। इस पर इब्राहिम स्वयं सेना से उनका दमन के लिए आया और विद्रोही सरदारों ने उसके पास संदेश भिजवाया कि यदि सुल्तान आजम हुमायूं सरवानी और उसके पुत्रों को रिहा कर दे तो वे पहले की भांति उसकी सेवा में है वो तैयार हो जाएंगे। परंतु इब्राहिम लोदी ने अब की बार इन सरदारों की मांग को है वो ठुकरा दी। वे इस मांग के पक्ष में नहीं थे। इस पर युद्ध अनिवार्य हो गया। अफगानों का यह आपसी युद्ध स्वयं अपने अस्तित्व के लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ और इस युद्ध में इस्लाम खान सहित अनेक अफगान अमीर हैं वो मारे गए। इब्राहिम जीत गया, परंतु इन अमीरों का दमन करने से इब्राहिम लोदी को आगे जाकर के एक विकट समस्या का सामना करना पड़ा था। अब देखिए विदेश नीति की हम बात करें या इस तरह पंजाब के सूबेदार दौलत खां ने विद्रोह कर दिया और कई आलम खां लोदी ने भी विद्रोह कर दिया,
और कई ऐसे विद्रोह करते हुए इब्राहिम लोदी को उसके पद से हटाने के लिए वे तरह तरह के षड्यंत्र रचने लग गए थे। तो देखिए इब्राहिम लोदी की विदेश नीति हम देखते हैं, तो देखिए इब्राहिम लोदी की विदेश नीति में हम सबसे पहले देखते हैं ग्वालियर विजय। तो इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की ग्वालियर विजय करने की नीति को कार्यान्वित करने का निश्चय किया, क्योंकि ग्वालियर राज्य सल्तनत विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था। इब्राहिम के भाई राजकुमार जलाल ने भी आगरा से भागकर पहले ग्वालियर में शरण दी। सिकंदर लोदी को विफल बनाने वाले वीर राजा मान सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके उत्तराधिकारी विक्रमाजीत में न तो पिता के समान पराक्रम था और न ही योग्यता। इसी कारण इब्राहिम लोदी ने शक्तिशाली सेना आजम हुमायूं सरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सरवानी ने ग्वालियर दुर्ग की सख्त घेरेबंदी की और संघर्ष किया और अंत में विक्रमाजीत ग्वालियर के शासक को इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। अब इधर दिल्ली में इब्राहिम लोदी की शक्ति बढ़ रही थी और उधर मेवाड़ में महाराणा सांगा की शक्ति बढ़ रही थी और दोनों के मध्य सीमा रेखा को लेकर विवाद शुरू हो गया था। और इस कारण से इब्राहिम लोदी राजस्थान मेवाड़ को जीतने का स्वप्न देखता था और इस कारण दोनों के मध्य में युद्ध होना अवश्य भावी हो गया। तो देखिए इब्राहिम लोदी राजस्थान के मेवाड़ को जीतने का स्वप्न देखता था और उस समय मेवाड़ पर राणा सांगा का शक्तिशाली शासन था। इब्राहिम मालवा को जीतना चाहता था परंतु सांगा को परास्त किए बिना मालवा पर अधिकार करना असंभव था। जलाल का दमन करने के बाद इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा के विरुद्ध अभियान चलाया और खातोली नामक स्थान पर 1517 ईस्वी में दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित होकर दिल्ली भाग गया। राणा सांगा को भी इस युद्ध में अपना एक बाजू खोना पड़ा और एक तीर से उसे लंगड़ा बना दिया। 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने एक शक्तिशाली सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी परंतु इस बार भी राजपूतों ने शाही सेना को परास्त करके खदेड़ दिया और इस पर इब्राहिम ने स्वयं आगरा से राणा के विरुद्ध कुछ किया और दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वह अनिर्णायक युद्ध है वो रहा था। हालांकि इस युद्ध के बाद राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया और सांगा के विरुद्ध इब्राहिम की विफलता ने उसे अमीरों को विद्रोह करने की प्रेरणा प्रदान की थी। अर्थात राणा सांगा के सामने इब्राहिम लोदी की पराजय से इब्राहिम लोदी के अमीरों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने बाबर जैसे महत्वाकांक्षी शासक को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। आलम खां और दौलत खां लोदी अपनी पराजय व कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे और उन्होंने फरगना के शासक मुगल शासक बाबर के पास संदेश भिजवाया कि वे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करें और आलम का और दौलत खां लोदी उनका सहयोग करेंगी। 1525 में पूरी तैयारी के साथ बाबर आया और उसने पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली की तरफ बढ़ा और 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत के मैदान में अपना शिविर लगाया। सुल्तान इब्राहिम लोदी भी अपनी सेना सहित पानीपत के मैदान में पहुंच गया। इस अवसर पर उसे अपने किसी भी सूबेदार से सहायता नहीं मिली थी। राजपूतों ने भी
उसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, क्योंकि इब्राहिम लोदी के अमीर व मेवाड़ के शासकों के संबंध इब्राहिम लोदी से अच्छे नहीं थे। तो देखिए, कोई सहयोग इब्राहिम लोदी को नहीं मिला, क्योंकि सभी का विश्वास था कि बाबर लूट मार के करके लौट जाएगा और बाद में वे सरलता से दिल्ली पर अधिकार हैं वो जमा लेंगे। परंतु बाबर ने तो स्वयं दिल्ली सिंहासन पर बैठने का निश्चय कर लिया था और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी विश्वासघात के कारण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और इसी के साथ ही भारत में लोदी वंश का अंत हुआ और एक मुगल साम्राज्य की है वो स्थापना हुई थी। धन्यवाद।